हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी टास्क, जो आपको स्कूल में लॉकडाउन के दौरान दिया गया है। तो इसे हमें सॉल्व करके स्कूल में जमा देना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इसका जो सॉल्विंग मेथड है, बहुत ही अलग तरीके से दिया गया है, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देते हैं ठीक उसी तरह दिया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसको हमें ठीक से पढ़ना है और जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है उसका हमको सही से आंसर देना है। तो ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा आपके बुक से, जो लेसन है उसका कौन सा लेसन से ये पैसेज दिया गया है ये हमें आप कमेंट में बताएंगे। मैं अभी ये पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर आप ये लिखेंगे कि ये किस लेसन से लिया गया है आपके इंग्लिश से। ओके, तो हम लोग चलिए सबसे पहले एक्टिविटी वन को सॉल्व करेंगे। तो एक्टिविटी वन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फिल इन द फ्लोइंग टेबल, यानी जो फ्लोइंग टेबल है नीचे दिया गया है ये टेबल, इसको भरना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, जो बोल्ड किया हुआ लाइन है यहाँ पे वो हम भरे हैं, फिल किया है यहाँ पे, और जो कम बोल्ड किया हुआ है थोड़ा, तो लाइट है थोड़ा, तो वो जो है पहले से फिल किया हुआ है। तो ओके, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो रीज़न है और एक तरफ स्टेटमेंट है। तो रीज़न में पहला दिया हुआ है कि द कंडक्टर नोटिस द पैकिंग इज डॉग, इसकी ये वजह है। और इसकी स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में होगा द कंडक्टर केम इन एंड टुक केयर्स फ्रॉम द न्यू पैसेंजर्स। ओके, तो ये होगा सेंटेंस इसका। दो नंबर में दिया है यहाँ पे द कंडक्टर हैड ग्रीवेंस अगेंस्ट द पैसेंजर्स, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हमें रीजन में लिखना होगा। तो इसका जो रीजन होगा वो दे केम एंड सैट इन द बस व्हाइल ही सीवर्ड एट द डोर। ओके, ये होगा रीजन इसका। इसी तरह तीन नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे द वुमन डिड नॉट वांट टू गो ऑन द टॉप ऑफ द बस, तो इसकी वजह क्या है, बिकॉज द वेदर वॉज वेरी बैड आउटसाइड, क्योंकि जो बाहर थी बस के बाहर जो वेदर थी, मौसम थी, बहुत खराब थी, इसलिए जो औरत जो है वो बस से बाहर यानी टॉप में नहीं जाना चाहती थी, बस के छत के ऊपर। ओके, तो इधर अब जो रीजन है वो एक दिया है, फोन नंबर द ओमन न्यू द रिप्लाई ऑफ द कंडक्टर्स ऑर्डर, इसकी स्टेटमेंट में क्या होगा, सी हैड इविडेंटली एक्सपेक्टेड द चैलेंज, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। तो एक्टिविटी वन सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद एक्टिविटी टू को यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जहाँ पे क्या बोला है, चेंज द मोड ऑफ नरेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो वो नंबर वन, द लिटिल बॉय सेड टू द स्ट्रेंजर वी विल नॉट प्ले विथ यू, तो यहाँ पे नरेशन चेंज करना है हमें। तो इसका जो नरेशन चेंज होगा, द लिटिल बॉयज टोल्ड द स्ट्रेंजर, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सेड के बदले यहाँ पे टोल्ड होगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है द स्ट्रेंजर, तो इसके बाद टू यहाँ पे हट जाएगा, टोल के बाद टू यहाँ पे नहीं देना है हमें। ओके, इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है ये, इसको हटाने के लिए हमें दैट लगाना होगा, दैट के बाद वी क्या है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या है, द लिटिल बॉयज, यानी इसको हम लोग दे कह सकते हैं, यानी वह लोग, तो द वी विल है, तो ये यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, दैट द वुड नॉट प्ले विथ हिम, हिम मतलब हिम कहाँ से आया, ये सेकंड पर्सन जो यू है, सेकंड पर्सन में यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेंजर है, तो हिम उसी को कहा गया है, स्ट्रेंजर को कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा द लिटिल बॉयज टोल्ड द स्ट्रेंजर, यानी लिटिल बॉयज ने स्ट्रेंजर से कहा कि वह लोग उस स्ट्रेंजर के साथ नहीं खेलेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग हिम भी दे सकते हैं और द स्ट्रेंजर भी दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर थ्री, द ओल्ड लेडी सेड टू हर डॉटर टुडे आई एम प्रिपेयरिंग अ क्ले मॉडल फॉर यू, तो इसका हो जाएगा द ओल्ड लेडी टोल्ड हर डॉटर दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग अ क्ले मॉडल फॉर हर दैट डे। ओके, टुडे यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, जो दैट डे में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो है देख लेते हैं इसको, इसके बाद एक्टिविटी थ्री को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चेंज द वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, तो वॉइस हम लोग को चेंज करना है। एक नंबर में देखिए क्या है, द हेल्प आज टू डू द रेनोवेशन वर्क, तो इसका हो जाएगा
वी वेर हेल्प टू द रेनोवेशन वर्क बाय देम। ओके, ये हो गया वर्स चेंज। नंबर टू, द ट्रेवलर नॉक्स द डोर ऑफ द एबेंडेंट हाउस। तो इसका हो जाएगा द डोर ऑफ द एबेंडेंट हाउस इज नॉक्ड बाय द ट्रेवलर। ओके, आप लोग समझ गए होंगे शायद। इसके बाद नंबर थ्री होगा द कल्प्रिट कॉन्फेस हिज गिल्ट। आंसर हो जाएगा हिज गिल्ट वॉज कन्फेस्ड बाय द कल्प्रिट। ओके, इसके बाद मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 9, ये दूसरा पार्ट है आपका। तो ये देख लीजिए आप लोग, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे भी फिर एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको फिर से पढ़ लेना है और कमेंट में हमें आप ये जरूर बताएं कि ये किस लेसन से लिया गया है और इसका जो राइटर है वो कौन है। हमें आप कमेंट में जरूर ये लिखे, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, इसके बाद एक्टिविटी 1, इसका जो सॉल्विंग मेथड होगा कैसा होगा देख लेते हैं। तो राइट द एक्टिविटीज ऑफ द फ्लोइंग बर्ड्स, यानी ये नीचे दिया गया चिड़िया है, 3 बर्ड्स है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होता है इस चैप्टर में, यहाँ पे उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहला जो बर्ड है वो है व्हाइट हेडेड थ्रस, ये क्या क्या काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट हेडेड थ्रस बस्ट इंटू एन एक्साइटेड क्राई, ये हो गया इसका एक्टिविटी। नंबर 2, ग्रुप ऑफ पीहेंस, यानी ग्रुप ऑफ पीहेंस क्या करते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीहेंस वी आर सर्चिंग फॉर डीवी ग्रास। ओके, ये हो गया उसका आंसर। नंबर 3, अमेल पीहेन, ये क्या करती है। अमेल पीहेन इज डांसिंग, हिज बर्निज टेल राइज्ड लाइक ए फाउंटेन इन द सनलाइट। तो ये हो गया सॉल्व आपका। इसके बाद हम लोग एक्टिविटी 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक्टिविटी 2 है वो यहाँ पे देखिए, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, ही के साथ क्या होगा, एम होगा, विल होगा, इज होगा, अराइव हियर बाय टुमारो, यानी टुमारो जो आने वाला है, फ्यूचर टेंस है, तो इसके लिए हमेशा विल होगा क्योंकि एम प्रेजेंट को जाहिर करता है और इज भी प्रेजेंट को जाहिर करता है, लेकिन विल जो है फ्यूचर को जाहिर करता है और टुमारो मतलब आने वाला कल, तो उसके लिए इसलिए हम लोग जो है विल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा विल, देखिए बोल्ड किए हम और आंसर साइड में भी लिख दिया है। तो इसके साथ होगा He will arrive here by tomorrow. Okay. Number B, she is has have been studying since morning. ये present perfect tense है, तो present perfect tense में हमेशा जो is कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, has have been इनमें से एक इस्तेमाल होगा। तो present perfect tense में अगर third person singular हो तो उसके लिए हमेशा हम लोग has इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए has इस्तेमाल किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा has। Number C, they have comes from far, मतलब वह लोग जो है दूर से आ चुके हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, कम होगा, केम होगा, कम्स होगा। यहाँ पे देखिए हैव है, इसके बाद हमेशा हैव हैज के बाद थर्ड पर्सन होगा, तो थर्ड पर्सन थर्ड जो भाव का जो फॉर्म ऑफ थ्री है वो इस्तेमाल होगा। तो कम का जो भाव 1 है वो कम ही है, भाव 2 है केम, और भाव 3 जो है वो कम ही है उसका भाव 3, तो हम इसलिए कम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। केम भाव 2 हो जाएगा, तो हैव के बाद कभी भी भाव 2 इस्तेमाल नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। अब देखिए एक्टिविटी 3, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विद इन 100 वर्ड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। यानी आपको आपके फ्रेंड्स को एक लेटर लिखना है जिसे ये बताना है कि एक न्यूज़पेपर की रीडिंग से क्या उसकी अहमियत है, क्या क्या उसकी जो है फायदे हैं, ये बताना है आपके फ्रेंड को, आपको 100 वर्ड्स के दरमियान। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, विडेंस आउटलुक, इनरिच नॉलेज, गुड हैबिट। तो यहाँ पे देखिए आंसर सबसे पहले लिखे हैं हम लोग। सबसे पहले आपको जो राइट साइड में आपका एड्रेस दे देना होगा आप जो लिखेंगे। इसके बाद डियर फ्रेंड, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी फ्रेंड है यहाँ पे। आई एम वेल एंड होप दैट यू आर ऑल्सो वेल बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स। लास्ट टाइम वेन आई मीट यू आई हेयर टू नो दैट यू वुड नॉट रीड न्यूज पेपर। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुदा के राजी से आप भी जो है बहुत खुश रहेंगे और अच्छे हैं। लास्ट टाइम वेन आई मीट यू, जब मैं आखिरी वक्त आपसे मिला था तो मैंने आपसे सुना था कि आप न्यूज पेपर नहीं पढ़ते हैं। आई फेल्ट वेरी अनहैप्पी फॉर दिस, मैं इसके लिए बहुत गमगीन हूँ, बहुत नाखुश हूँ। So I decided to wrote a letter
टू टेल यू इन द यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको एक खत लिखूं और आपको रीडिंग न्यूज़पेपर की क्या अहमियत है वो बताओ। यू नो दैट न्यूज़पेपर इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। आप ये जानते हैं कि हमारे जो एजुकेशन है उसमें ये न्यूज़पेपर बहुत ही लाजमी चीज है। इट गिव्स अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। All events happening in different parts of the world are freely published in newspaper. The latest development of science, arts and commerce are brought to the public eye through the medium of newspaper. It may ask your question a public educator. We may know that about people of different countries of the world. The policy of government is published through newspaper. We may get sports news, advertisement of situation, vacant political news, lectures of great men of the world, international relation among different countries in the page of the newspaper. It is therefore useful to us in many ways. Therefore, I advise you to make a habit of read newspaper daily as it will expand the change of your mind. I hope that you are well and please convey my regards to your parents and love to your brother and sister. Your loving XYZ stamp to या address जिसको आप ये letter लिखेंगे उसको ये बताना है, उसका नाम लिखना है, उसका care of लिखना है, उसका village लिखना है, उसका district लिखना है, ताकि ये letter जो है उसके post तक जाके पहुंचता रहे। तो ये था activity solution, model activity task solution of class 9 English. अगर पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।